हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एडिटोरियल से वोकैबलरीज। यहाँ पे द हिंदू ही लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, हम यहाँ पे सिर्फ द हिंदू नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से भी कुछ वोकैबलरीज लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों ही एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो इस्तेमाल हुए थे, जिनका पता आपको होना चाहिए। आपने अगर ये सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, मतलब पार्ट 18 तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वोकैबुलरी उससे काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो एडिटोरियल था वो था रिड्यूस सेग्रीगेट ऑन प्लास्टिक बैन। तो प्लास्टिक बैन जो अभी फ़िलहाल में हुआ है महाराष्ट्र में, और प्लास्टिक के ऊपर क्या सरकार की पॉलिसीज़ हैं, कैसे कदम उठाने जाने चाहिए, उन सब को लेकर के एडिटोरियल था। पूरा एडिटोरियल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन समझ में आएंगी, क्योंकि इसके ऊपर आपको ऐसे लिखने को भी आ सकता है, तो आपको इस तरह के खास तौर पर एडिटोरियल पढ़ने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर जो पहला शब्द है वो क्या है, स्टेम, जो कि एक वर्ब है। स्टेम का प्रयोग हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जो स्टेम वर्ड है इसके लगभग 8 से 9 मीनिंग्स होते हैं, मतलब बहुत सारी मीनिंग्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि कौन सी मीनिंग यहाँ पे प्रयोग की जा रही है, और कैसे वो पता चलेगा, जितना आप पढ़ेंगे पेपर्स को या फिर कहीं भी जो आप इंग्लिश का कंटेंट पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वो किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसी सेंस के अनुसार उसकी मीनिंग यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर जो स्टेम की मीनिंग है वो होती है निपटने से, या फिर कह सकते हैं किसी भी चीज़ को रोकने से, और ख़ास तौर पे ये रोकना होता है जैसे किसी के फ्लो को रोकना हो। लिखा हुआ है स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ समथिंग। जब आप किसी वस्तु के फ्लो को रोकें, कई जगह पे ये फ्लो लिक्विड से संबंधित भी हो सकता है, तो उसको कहा जाता है स्टेम। ठीक है, स्टेम एक का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ उत्पन्न हो, कई स्टेम, और एक स्टेम का मतलब होता है जैसे जो पेड़ से संबंधित होता है। तो इसीलिए करें कि बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन कौन सा मतलब आपको समझना है वो आप जब देखेंगे यूज़ तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इसका एक सिनोनिम बहुत अच्छा है क्या, स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, ये खून के बहाव को रोकने को अगर कहा जाए कि खून के बहाव को रोकना है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। स्टॉप का मतलब रोकना, हार्ट का मतलब भी रोकना, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रिक्ट करना, फिर कंट्रोल करना, ये सारे शब्द आपको पता है। इन सब का भी मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को रोकना, उसकी प्रगति को, उसको आगे बढ़ने से रोकना। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, रिलीज़ करना या फिर फ्री करना। जैसे रिलीज़ करने का मतलब जैसे रोकना है, रिलीज़ करने का मतलब उसको छोड़ देना, आगे बढ़ना। फ्री करने का मतलब भी यही है कि आप अपने कंट्रोल से उसको छोड़ दीजिए, वो जैसा आगे चाहे बढ़ सके। यूज़ हुआ था स्टेमिंग द प्लास्टिक टाइड इज़ अ नेशनल इम्परेटिव। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करी जा रही थी, प्लास्टिक के स्टेमिंग के बारे में, मतलब प्लास्टिक का जो ये बहाव है, मतलब इतनी ज़्यादा जो प्लास्टिक यहाँ पे समुद्र वगैरह में फेंकी जा रही है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसको छांटा जाए कि जो ओशियंस हैं हमारे, जो सीज हैं उसमें या फिर नदियाँ हैं उनमें जो प्लास्टिक का जो वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो, तो वही यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड लिखा हुआ है अक्लेम। अक्लेम का मतलब क्या है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, स्वागत करना या फिर अभिनंदन करना। मतलब किसी को, चाहे आप भरी सभा में उठ करके किसी का स्वागत करें, अक्लेम करें, या फिर ऐसे भी है जैसे लिखा हुआ टू अनाउंस विथ मच अप्लाउज और प्रेस, कि जब आप कुछ अनाउंस करें बहुत ही अप्लाउज और प्रेस के साथ, तो भी क्या होता है, अक्लेम करना। ठीक है, तो सिनोनिम्स इसके एक्लेमेशन आपको इसी से बना हुआ शब्द है, अप्लाउज करना, या फिर क्या है, कमेंडेशन। कमेंडेशन लिखा हुआ, कमेंड करने का मतलब भी होता है कि सम्मानित करना। ठीक है, एंटोनिम्स इसके ठीक क्या हो सकते हैं उल्टे, जैसे क्रिटिसिज्म करना, ब्लेम करना, या फिर सेंस्योर करना। सेंस्योर का मतलब भी होता है कि कमी निकालना। ठीक है, तो इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं। यूज़ कहाँ पे हुआ था, टू इंटरनेशनल अक्लेम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही थी कि उन्होंने क्या प्रण लिया है, तो उसके बारे में बात हो रही थी कि टू इंटरनेशनल अक्लेम दैट इट वुड डू अवे विथ ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 2022 तक जितने भी सिंगल यूज़ के प्लास्टिक हैं उनसे निपटारा या छुटकारा पा लिया जाएगा। तो ये क्या है, टू इंटरनेशनल अक्लेम, मतलब ये इंटरनेशनली तौर पे इस बात को बहुत ज़्यादा एक्लेम किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड क्या है, ये वर्ड देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है लैकेडेसिकल, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चिंताकुल, या फिर कह सकते हैं बेपरवाह या आलसी। मतलब जब कुछ आपको जिम्मेदारी दी जाए और उसमें आपको कोई भी इन्जॉयमेंट ना हो, मतलब कुछ करने के लिए कहा जाए, बहुत ही बेमन सा आपका मन हो, या फिर बहुत बेपरवाही से आप कुछ करें, तो वो क्या होता है, लैकेडेसिकल। ठीक है, लिखा हुआ लैकिंग एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसली लेजी, तो वो क्या होता है, लैकेडेसिकल। सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं, जैसे लिथार्जिक होना, वही आलसी होना,
पैसिव होना या फिर अपथेटिक होना। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं लाइवली या फिर एक्टिव, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। मतलब इनका क्या है, उत्सुकता या फिर कह सकते हैं फुर्ती के साथ अगर आप रहें, लाइवली रहें, एकदम जीवंत रहें, तो उसके एंटोनिम्स होंगे। यूज़ कहाँ पे हुआ था, लिखा हुआ था दिस लैकडेसिकल अप्रोच इज एट ऑड्स विथ इट्स एम्बिशियस गोल। तो यहाँ पे किसकी बात करी जाए, लैकडेसिकल अप्रोच के बारे में बात करी जा रही है, मतलब जो प्लास्टिक को कंट्रोल करने की बात करी जा रही है कि नियम कानून तो बहुत बना दिए गए हैं लेकिन उसका कोई पालन नहीं कर रहा है, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसी अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि आपने इतना एम्बिशियस गोल ले रखा है कि 2022 तक सिंगल यूज के प्लास्टिक खत्म कर देंगे, उनका यूज होना बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका जो अप्रोच है वो तो दिखता नहीं, ठीक है, मतलब जो कानून है नियम है उनका कोई पालन करता दिखता नहीं, कानून और नियम से नहीं, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों के अंदर। तो ये क्या है, एक लैकडेसिकल अप्रोच है, मतलब एकदम केयरलेसली लेजी अप्रोच एकदम अपना के रखी हुई है, इसमें कोई भी किसी का मन नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्ड क्या है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है अलग करना या फिर पृथक करना, लिखा हुआ ना पृथककरण मतलब अलग करना, ठीक है। तो लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ सेटिंग समवन और समथिंग अपार्ट फ्रॉम अदर, मतलब ये अलग करने का मतलब जैसे आपके पास बहुत सारी कुछ चीज़ें हों, ठीक है, जैसे आपके पास कई सारे सिक्के हों, मैं आपसे कहूं कि आप उसमें से केवल 2 रुपए के सिक्कों को अलग करिए, तो वो क्या होगा, सेग्रीगेट करना, आपने पूरे ग्रुप में से 2 रुपए के सिक्कों को अलग करके एक जगह रख दिया, ठीक है, तो उसको कहेंगे सेग्रीगेशन। सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं, जैसे ये इसका डिस्क्रिमिनेशन, इसका कह सकते हैं बहुत करीब का सिनोनिम तो नहीं है लेकिन इस तरीके के भी हो सकते, जैसे डिस्क्रिमिनेट करने का भी मतलब भी यही होता है कि किसी को आप डिस्क्रिमिनेट करें, मतलब उसको अलग कर रहे हैं या नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने ग्रुप से अलग दिखा रहे हैं। आइसोलेशन भी वैसे ही है और पार्टीशन मतलब वही है, अलग सबके अर्थ क्या है, अलग करना या फिर अकेला करना, लेकिन यहाँ पे जो सेग्रीगेट का मतलब है वो मतलब किस तरीके से है कि आप कुछ चीज़ पिक कर रहे हैं पूरे ग्रुप में से, इन सब के मतलब थोड़ा और सोशोलॉजिकल हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकता है, जैसे कनेक्शन या फिर कह सकते हैं सेग्रीगेट करना, जैसे सेग्रीगेट हो गया कि अलग करना किसी ग्रुप से भी, तो एक ग्रुप में रहने के लिए ग्रेगेरियस टर्म भी इस्तेमाल होता है, तो भी इसका कह सकते हैं कि एंटोनिम्स हो सकता है। यूज़ कहाँ पे हुआ था, बट सेग्रीगेशन एट सोर्स हैज़ नॉट टेकन ऑफ, मतलब प्लास्टिक सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसके बारे में बात करी जा रही थी, आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सिंगल यूज़ की जो प्लास्टिक्स हैं उनको जब हम कूड़े में देते हैं, तो जब हम कूड़ा देते हैं तो ऐसा नहीं करते कि जो सिंगल यूज के प्लास्टिक है उसके लिए अलग से कूड़ा देते हैं, बाकी का जो कूड़ा कचरा या वेस्ट रहता है उसके लिए अलग हम व्यवस्था करते हैं, हम सब मिला के देते हैं, तो वो मिला करके जब कूड़ा फेंका जाता है तो उसमें सिंगल यूज की प्लास्टिक्स भी होती हैं और भी बहुत सारा कूड़ा होता है, तो वही बता रहे हैं कि जो सिंगल यूज की प्लास्टिक वो ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है, तो उसके सेग्रीगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उसको अलग करना चाहिए, और ये कहाँ पे होना चाहिए, एट सोर्स, एट सोर्स का मतलब जहाँ से वो उत्पन्न हो रही है, जैसे घरों में घरों से कूड़ा उठाने आते हैं, तो यहाँ पे जो सिंगल यूज़ की प्लास्टिक है या फिर सिंगल यूज के जो भी पन्नी वगैरह हैं उनको अलग से लेना चाहिए ताकि उनको अलग से डंप किया जा सके, ठीक है, उनको साथ में नहीं मिलाया जाना चाहिए कि वो समुद्र में फेंक दिए जाएँ, जिससे वो क्या होते हैं, जो समुद्र के जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो वही यहाँ पे बात करी जा रही है कि कानून तो बहुत बनाए गए हैं लेकिन उसका कोई पालन नहीं करता, यहाँ तक कि बड़े बड़े मॉल ऑफिसेज वगैरह भी इसका पालन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है अबाइड। अबाइड का मतलब क्या है, मतलब तो पता होगा ये क्या है, वर्ब है। अबाइड का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, एक आपने ऐसे मूवी सुनी होगी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है, मतलब पालन करना किसका, चाहे वो कोई आपका डिसीजन हो चाहे वो कानून हो तो उसका पालन करना। लिखा हुआ एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, एक्सेप्ट करना उस चीज़ को और उसके अनुसार एक्ट करना, चाहे वो कोई रूल हो चाहे वो डिसीजन हो चाहे वो रिकमेंडेशन हो, तो उसको क्या कहेंगे, अबाइड। ओके, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे ओबे या फिर ऑब्जर्व या फिर फॉलो या फिर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जैसे कानून का लोग कहते हैं सम्मान करते हैं, मतलब उसके अनुसार चलते हैं। एंटोनिम्स के हो सकते हैं जैसे फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है जैसे अबाइड करना का मतलब कानून का पालन करना, फ्लाउट का मतलब एकदम भरी सभा में खुले आम कहना कि हम किसी भी तरह के कानून से एग्री नहीं, उसका पालन वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो एकदम कह सकते हैं डायरेक्ट इसका एंटोनिम हो सकता है। और दूसरा है क्या, रिजेक्ट करना। रिजेक्ट भी हो सकता है कि आप जो नियम कानून है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं। यूज़ कहाँ पे हुआ था, वही जो मैं बता रहा था कि होटल्स एंड ऑफिसेस डू नॉट अबाइड बाय द लॉ, कि जो होटल और ऑफिसेज भी हैं वो भी ये जो लॉ बनाया गया है इन सब को लेकर के उसका पालन नहीं करते हैं, वो भी एक ही तरह से सब कचरा ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो द हिंदू का एडिटोरियल था, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, तो उससे ये सारे शब्द लिए थे जो कि थोड़ा टफ लग रहे थे या फिर कैसे इंपॉर्टेंट थे।
नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, इसका जो एडिटोरियल था क्या था, अ स्प्रेडिंग ग्रीन। आपको पता होगा दिल्ली में भी 16,500 पेड़ कटने थे जिसके ऊपर भी रोक लग गई है, तो उसी के ऊपर एडिटोरियल लिखा गया है कि यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट को लेकर कंडीशन है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये भी एडिटोरियल काफ़ी अच्छा था, एनवायरनमेंट सही था। तो चलिए देखते हैं, पहला जो शब्द है वो क्या है, स्टोइक। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्टोइक हमेशा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है उदासीन। ऐसे समझिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटरमाइंड नॉट टू कंप्लेन और शो योर फीलिंग स्पेशली वेन समथिंग बैड हैपेंस टू यू। यहाँ पे केवल बैड की बात करी गई है, लेकिन ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ हो तो वो कोई फील ऐसे उसके चेहरे पे नहीं आती कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, एकदम सामान्य सा रहे, या फिर उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए तो भी एकदम सामान्य सा ही रहे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए टर्म इस्तेमाल होता है स्टोइक, मतलब उदासीन है वो, अच्छा हो या बुरा हो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सामान्य अवस्था में ही रहता है। आपके पास हो सकता है आसपास कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे। जनरली होता क्या है कि हमारे साथ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बुरा होता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये स्टोइक पर्सन हमेशा उदासीन रहता है, अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ पे इस स्टोइक इस्तेमाल हुआ था। स्टोइक के कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे डिटैच्ड, इसका भी मतलब वही है, इम्पैसिव का भी मतलब ये, अलूफ का भी मतलब क्या है वही, कि एकदम अकेले में रहना या फिर लोगों से कट के रहना, एकदम आपको खुशी या फिर इस तरह की गम की चीज़ें परेशान ना करें। एंटोनिम क्या होगा, जैसे इमोशनल होना, इमोशनल होने का मतलब क्या है कि जब आप इमोशनल हो, जहाँ पे इमोशन शामिल हो, ठीक है, मतलब खुशी है तो खुश हो रहे हैं, दुखी है तो दुखी, दुख आपके चेहरे पे दिखा रहा है। और इसी तरह क्या है, कंसर्न का मतलब वही क्या, चिंता करना कि अच्छा है बुरा है उसकी कंसर्न रखना। ये क्या हो सकते हैं इसके एंटोनिम। यूज़ कहाँ पे हुआ था, फॉर ऑल देयर ट्रबल्स विथ बैड एयर दिल्लीज रेजिडेंट्स हैव बीन रिमार्केबली स्टोइक। मतलब बता रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे वायु प्रदूषण की समस्या है उसको देखते हुए भी जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं वो सब क्या हैं, कह रहे रिमार्केबली स्टोइक हैं, मतलब एकदम उदासीन है। क्या कर रही है सरकार, या फिर क्या उनको कहना चाहिए सरकार से, कैसे चीज़ों का पालन करना चाहिए कि जो दिल्ली की एयर पोल्यूशन है उसमें थोड़ा सा सुधार लाया जा सके। आपको पता होना चाहिए दिल्ली का जो पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसका हाफ अगर होता है तो चाइना तक के जो शहर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। यहाँ पे उसका डबल भी होता है, तो यहाँ पे सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इसी बारे में पूरा बताया गया था कि यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है, ये सब समस्याएँ भी, अब ये जैसे आम बातें हो गई, जैसे जॉबलेसनेस हो जाती है, मतलब जैसे बेरोजगारी की समस्या वगैरह, इस तरह की बातों पर जैसे चर्चा होती है वैसे ही लोग केवल चर्चा करके रह जाते हैं, उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाना चाहता, ना तो किसी के ऊपर कोई दबाव बनाना चाहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड लिखा हुआ है, प्लॉ आ लोनली फरो। ये एक आइटम है, आप अगर केवल प्लॉ को समझेंगे तो आप इसके अर्थ को भूल जाएंगे, मतलब इसके अर्थ को सही से समझ नहीं पाएंगे क्या बात यहाँ पे हो रही है। प्लॉ आ लोनली फरो ये एक आइटम है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, मतलब आइटम है तो हिंदी में भी इसके कुछ ना कुछ, हिंदी में समानार्थी कुछ ना कुछ आइटम प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, या फिर कह सकते हैं जैसे कहते हैं कि डेढ़ ईंट की अपनी अलग मस्जिद बनाना, तो उस तरीके का मतलब क्या, टू डू समथिंग अलोन और डू समथिंग दैट नो वन एल्स विल डू, कि मतलब कोई भी काम को अकेला करना और ऐसे काम को अकेला करना जो कोई और नहीं कर रहा हो या फिर कोई और नहीं करना चाहता हो, तो उसके लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, ये आइटम इस्तेमाल होता है, प्लॉ आ लोनली फरो। यूज़ कहाँ पे हुआ था, लिखा होता है, इंडिविजुअल पेटिशनर्स और एनजीओज हैव मोस्ट ऑफन प्लॉड आ लोनली फरो। मतलब बता रहे हैं कि जो इंडिविजुअल पेटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, या फिर जो एनजीओज हैं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो ज़्यादातर क्या हो कि अकेले ही याचिका डाल रहे हैं, मतलब अपने से ही लेकर के याचिका डाल रहे हैं, जो भी उस पर कोर्ट आदेश कर रहा है उसको फॉलो करें, उनको जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं उनका कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से कुछ और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सके और दिल्ली को भी एक स्वस्थ राज्य का, या फिर कह सकते हैं स्वस्थ राजधानी का एक दर्जा मिल सके, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात हो रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान सा शब्द है, ट्रीटी से बना हुआ है, नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अनुबंध, संधि या फिर कोई समझौता, तो उसको कहा जाता है ट्रीटी, ठीक है। लिखा हुआ है फॉर्मली कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है, लोगों के बीच में भी हो सकता है, दो कंपनियों के बीच में भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, या फिर देश के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्मॉल एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब राज्य से होता है, यहीं पे अगर कैपिटल एस होता है तो उसका मतलब किससे होता है, देश से होता है, ठीक है।
सिनोनिम क्या हो सकते हैं इसके? एग्रीमेंट या फिर सेटलमेंट, पैक्ट, डील, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स जैसे एंटागोनिज्म, ठीक है, रिफ्यूज़ल। एंटागोनिज्म का और रिफ्यूज़ल का मतलब यही है, जैसे ट्रीटी का मतलब अनुबंध या शांति से है, एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, एकदम ठीक उसी का उल्टा, जब एक दूसरे में क्या हो, एकदम प्रतिद्वंद्वता की स्थिति हो, लड़ाई की स्थिति हो, तो उसको कहा जाता है एंटागोनिज्म या रिफ्यूज़ल एक तरह का, ठीक है। यूज़ कहाँ पे हुआ था, लिखा होता है इंक्लूडिंग ट्रीटीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ट्रीटीज़ की बात करी जा रही है कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी पे जो ट्रीटीज़ हुई उनका भी कोई असर नहीं है या फिर कोई पालन नहीं करता है, वो सारी बातें यहाँ पे थी। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है वॉल्यूबली। ये जो है शब्द, ये एलवाई लगने से आपको पता है एडवर्ब हो गया है। ये जो शब्द है ये क्या है, वॉल्यूबल, ठीक है। वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये वॉल्यूबल। वॉल्यूबल अगर है तो ये क्या है, ये अगर वॉल्यूबल रहता है तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लिखा हुआ है कैरेक्टराइज बाई अ रेडी एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वर्ड, वही कि अगर कोई लगातार बोलता रहे तो उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूबल कहेंगे। सिनोनिम्स के यही हैं, इसके सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉकटिव आप सबको पता है, लैक्वेशियस ये इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, गरेलुअस ये इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, वर्बोस ये इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। वर्बोस का मतलब होता है जहाँ जब जरूरत से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, और वही गरेलुअस का भी मतलब होता है, वही लैक्वेशियस का भी मतलब होता है। एंटोनिम इसके काफ़ी अच्छे हैं, जैसे टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत कम बोले, मतलब बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करे अपनी बात को कन्वे करने के लिए। जैसे आप किसी के सामने बैठे हों, आप 10 लाइन बोलेंगे तो केवल एक ही लाइन बोलेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है शब्द टेसिटर्न, ठीक है। म्यूट भी कह सकते हैं, एकदम चुप कोई हो। लिखा हुआ है एज वरीबली एज द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और जॉबलेसनेस, वही जो मैं अभी पहले कह रहा था कि यहाँ जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं इस तरीके से बात करते हैं इन्वायरमेंट या फिर एयर पोल्यूशन के बारे में, जैसे वो इन्फ्लेशन या फिर जॉबलेसनेस या फिर बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, नहीं ये ख़त्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, एकदम मतलब नॉर्मल सी बात हो गई ज़िंदगी के लिए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये उनकी जैसे अगर आप बेरोजगार हैं, आप कुछ ना कुछ काम करके अपने आप को खिला सक, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, या फिर अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई की स्थिति है, तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करके फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर एयर ही आपकी पॉल्यूट हो गई तो आप क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधे बस क्या है, कुछ आपका जो दिन बचे हुए हैं वो काट सकते हैं अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि सांस लिए बिना तो कोई नहीं रह सकता। ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं अब सांस हम कम लेंगे तो हम जिंदा रह लेंगे। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा वोकल होना चाहिए, लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाना चाहिए गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो आगे आके हमको जो हमारे मूल अधिकार हैं इनके बारे में बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। नेक्स्ट हम लेते हैं क्या है, एंडेवर्स। एंडेवर्स क्या है, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब क्या है, सतत प्रयास करना किसी भी गोल या फिर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उसको कहा जाएगा एंडेवर्स, ठीक है। ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग इंग्लिश में मतलब है। सिनोनिम्स के पता है, जैसे ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, वेंचर करना, अंडरटेक करना, इसका मतलब वही है कि किसी काम को ख़त्म करना या फिर प्रयास करना ताकि वो लक्ष्य हासिल हो सके। आप जैसे अगर स्टूडेंट हैं, आपका लक्ष्य क्या है, एक आपको अच्छे से सरकारी जॉब मिले, तो ये भी आपका क्या है, एक एंडेवर है, ठीक है। तो सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम्स देखते हैं क्या है, आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब वही है, एकदम आइडल बन जाना, मतलब एकदम रुक जाना, ठहर जाना, कुछ एक्टिविटी ना करना, जैसे इनएक्टिविटी है, ये क्या है, पैसिविटी है, ठीक है, वही मतलब कुछ काम ना करना। यूज़ कहाँ पे होता, वेस्ट मैनेजमेंट एंडेवर्स बाई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन पुणे, मैसूर, आगे पूरी लाइन थी, पीछे भी थी। तो यहाँ पे किसके बारे, एंडेवर्स के बारे में बात करी जा रही है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, जो उन्होंने जिस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया है उस काम के लिए यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये कुछ शब्द थे जो मैंने लिए थे, जो दूसरा एडिटोरियल था उससे। मेरे ख्याल से आपको सारे शब्द समझ में आए होंगे और ये कैसे यूज हो रहे थे ये भी आपको समझ में आया होगा। और इतनी बातें जो मैंने करी हैं सिर्फ इसलिए ताकि इन शब्दों को लेकर के आपके दिमाग में भी कहानी बने और उसके जरिए शब्द आपको हमेशा याद रहें। तो ये आपको कैसा लगा पार्ट, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप सारे और पार्ट्स भी देखिए ताकि आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव हो सकता है। ट्यूटोरियल पुराना हो तो आप कहेंगे पुराना क्यों देखें, लेकिन उससे आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव होगी तो आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। तो इसलिए वो सारे पार्ट भी आप देखिए, तभी आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो पाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि एक शब्द स्टेम है, उसके 9 से 10 मीनिंग है, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे 9 से 10 उसके मतलब
मतलब मिलेंगे। आप अगर सिंपल गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको दो मीनिंग तो कम से कम उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। आप थोड़ा डेप्थ में सर्च करेंगे तो 9 से 10 मीनिंग उसके मिलेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी मीनिंग आप याद रखेंगे, कि इस टाइम को लेकर के 9 से 10 मीनिंग रटना तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मीनिंग ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, किस सेंस में इस्तेमाल होती है। वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप इस तरह की वीडियोस देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं तो आपको मिल ही रहा होगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास करता रहूँगा इस तरह के और अच्छे अच्छे शब्द लेकर के आऊँ। तो इसलिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको इस तरह के लाभ मिलते रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।